नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। मुंबई में हनुमान चालीसा के जाप को लेकर जबरदस्त घमासान जारी है और पिछले 3 घंटों से महाराष्ट्र में मुंबई में खार इलाके में घमासान लगातार देखने को मिल रहा है, जहां निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर डटे हुए शिव सैनिक पिछले 3 घंटों से जबरदस्त हंगामा, जबरदस्त बवाल चल रहा है। एम्बुलेंस लेकर नवनीत के घर पर बाहर शिव सैनिक पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो डटे हुए हैं, वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी भी वहां पर नजर आए। इस बीच में सीएम उद्धव ठाकरे पर नवनीत राणा ने सीधा इल्जाम लगा, सीधा आरोप लगाया कि सीएम के आदेश पर घर को घेरा गया। इस बीच में जो बयानबाजी हुई है वो भी आज तक ने आपको सुनाई। संजय राउत से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी और तमाम दूसरे लीडर्स मातोश्री पर चालीसा पाठ करने पर अड़ी हुई है सांसद नवनीत राणा। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जो कि विधायक है, वो चाहते हैं कि मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन शिवसैनिक किसी बात से नाराज हैं। ये उन्होंने ऐलान किया था और वक्त दिया था 9 बजे का, लेकिन 12 बज गया है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि उनको एक तरीके से ये घेरा गया है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि क्या एमपी एमएलए को इस तरह से घर में बंद कर देंगे। मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ पर पिछले 3 घंटों से हंगामा हो रहा है, शिव सैनिक लगातार हंगामा कर रहे हैं।